फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मैनेज टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम वर्ड मैनेज टू को कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, वर्ड हम मैनेज टू का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई काम मुश्किल था या कोई काम कठिन था, लेकिन जैसे तैसे मैं उसे करने में कामयाब हो गया या मैं उसे करने में सफल हो गया। छोटा में आप ऐसा समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कि जब कभी भी आपको कहना हो कि मैं किसी काम को करने में सफल हो गया या कामयाब हो गया, तो आप मैनेज टू का यूज करेंगे। वर्ड मैनेज टू या एक पास्ट एक्सप्रेशन है, यानी इसे गुजरी हुई बात का पता चलता है। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स, मान लीजिए कुछ दोस्तों के बीच में एक शर्त रखी गई कि अगर आप रोटी को रोल कर लेंगे तो आज एक पार्टी रखी जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि रोटी को रोल करना कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी रोटी को रोल नहीं किया। तो आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आप किसी भी तरह रोटी को रोल करने में कामयाब हो गए। काम मुश्किल था, बट आप उस मुश्किल काम को करने में सफल हो गए, कामयाब हो गए। तो इस सेंस में आप मैनेज टू का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो मैं रोटी को रोल करने में कामयाब हो गया, तो आप कहेंगे आई मैनेज टू रोल ब्रेड। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना हो कि कोई काम जो बहुत मुश्किल था, जैसे एक गवर्नमेंट जॉब पाना या इंग्लिश ग्रामर सीखना या कोई भी ऐसा काम जो बहुत मुश्किल था, कठिन था, बट एनी हाउ आपने उसको पूरा कर लिया या उसे करने में आपको कामयाबी मिली, सफलता मिली, तो आप वर्ड मैनेज टू का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं यह टॉपिक पढ़ाने में कामयाब हो गया या मैं यह टॉपिक पढ़ाने में सफल हो गया, तो आप कहेंगे आई मैनेज टू टीच दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं एक मर्सिडीज खरीदने में कामयाब हो गया या मैं एक मर्सिडीज खरीदने में सफल हो गया, तो आप कहेंगे आई मैनेज टू बाय अ मर्सिडीज। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया या मैं आपको समझाने में सफल रहा, तो आप कहेंगे आई मैनेज टू कन्विंस यू। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं ज्यादा लाइक्स पाने में कामयाब हो गया या मैं ज्यादा लाइक्स पाने में सफल हो गया, तो आप कहेंगे आई मैनेज टू गेट मोर लाइक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं वह नौकरी पाने में कामयाब हो गया या मैं वह नौकरी पाने में सफल हो गया, तो आप कहेंगे आई मैनेज टू गेट दैट जॉब। फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस को फ्यूचर में बोलना हो, जैसे मैं वह नौकरी पाने में कामयाब हो जाऊंगा या मैं वह नौकरी पाने में सफल हो जाऊंगा, तो आप कहेंगे आई मैनेज टू गेट दैट जॉब। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि प्रेजेंट टेंस में आप मैनेज टू, पास्ट टेंस में आप मैनेज टू और फ्यूचर टेंस में आप विल मैनेज टू का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आप एक बिजनेस को खड़ा करने में सफल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे यू विल मैनेज टू सेटल अ बिजनेस। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आप एक बिजनेस को खड़ा करने में सफल हो जाते हैं, तो आप कहेंगे यू मैनेज टू सेटल अ बिजनेस। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आप एक बिजनेस को खड़ा करने में सफल हो गए, तो आप कहेंगे यू मैनेज टू सेटल अ बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि फर्स्ट सेंटेंस फ्यूचर में बोला गया और सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में और थर्ड सेंटेंस पास्ट टेंस में। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इस टॉपिक को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस लेसन को आप शानदार तरीके से समझिए, तो क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? और मेरा क्वेश्चन है I managed to become a great teacher. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।